हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब तक की परीक्षाओं में ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो आज का होने वाला है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जितने भी छात्र होंगे ITI की फर्स्ट ईयर के यहाँ पर व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको कर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन यहां पर ज्यादातर रिपीट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट्स, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, लेकिन हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर लिखा गया है। तो आप जब भी एग्जाम में जाएँ तो वहाँ पर देख लें कि हिंदी और इंग्लिश में कहीं अंतर तो नहीं है। तो यहाँ पर आपका वाटर दिया गया तो आप समझेंगे कि वाटर तो कोई होता नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वाट्स यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जो होती है वाट्स होती है, तो आप इसको सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदी में देखेंगे कि वाटर है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए और बाद में कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ही गलत था, तो हम उसका आंसर कैसे दें। तो ये मान्य नहीं रखता है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखने का प्रयास कीजिएगा और यहां पर समझ लीजिएगा क्वेश्चन का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात है। इसमें अनुपात आपसे पूछा गया है, तो इसका अनुपात जो होता है वो आपका वेलोसिटी रेशियो के अनुसार होता है, जिसको हम यहाँ पर बी ऑप्शन में दर्शाया गया है, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये अनुपात आपका हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है। फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोड आर्म, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, लोड आर्म बी ऑप्शन। हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। जितने भी छात्र होंगे ITI के सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट ऑर्डर लिवर के लिए कौन सा उदाहरण है, इसमें आपका जो सीजर्स जो होता है वो इसका उदाहरण होता है एक जोड़ा के रूप में, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया ए पेयर ऑफ सीजर्स, मतलब सीजर्स का एक जोड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों जिसमें पूछा गया है यहाँ पर कि कॉस थीटा होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो पूछा गया था, लेकिन इसमें आपका यहाँ पर कॉस थीटा पूछा गया है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा होता है वो आपका होता है असन्न भुजा अपान कर्ण के। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया, देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है कि कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। ओम का नियम या हुक का नियम या लेंज का नियम या फैराडे का नियम। तो इसमें जो आपका होता है फैराडे का नियम, यही जो नियम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं फैराडे का नियम यहाँ पर साफ साफ इंगित किया गया है, तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है, मतलब क्या चीज़ समान होता है, धारा समान होता है, वोल्टेज समान होता है, या प्रतिरोध समान होता है, या शक्ति समान होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर पूछे प्रतिरोध को यदि सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, धारा समान होता है। यदि पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में आपका जो होता है वोल्टेज समान होता है। तो यहाँ पर सीरीज में बात किया है तो हम सीरीज में मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। किसी भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इसको हम बोलते हैं धारा, जो कि यहाँ पर धारा जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया, तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में प्रवाहित करती है, मतलब कि रूपांतरित करते या बदलती है, जो भी आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाता है जो जनरेटर होता है, ये क्या करता है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसमें जो हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि मरकुरी अर्थात जिसको पारा बोलते हैं उसका क्वथनांक क्या होता है। तो इसका क्वथनांक होता है माइनस में होता है -209 अंश सेंटीग्रेड होता है, जो कि ऑप्शन में ये आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इनमें कौन सा ऊष्मा रोधक है, जैसे कि थर्मोकोल, तांबा, ब्रांस, एल्युमिनियम। तो इसमें जो थर्मोकोल के अंतर्गत आता है ये आपका यह आता है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन ऊष्मा रोधक है, तो इन ऑप्शनों में आपका ऊष्मा जो रोधक है वो थर्मोकोल है, तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि दो गुड़े रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो किया जाता है वो आपका सुपर जो आपका यहाँ पर होता है फलसेन प्रसार गुणांक, जो कि यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन दिया गया। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, कंडक्शन या कन्वेंशन या रेडिएशन या रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाता है, जिसको कन्वेंशन बोला जाता है, तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आपको ऑप्शन नंबर बी ही देखने को मिलेगा, आप सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन को देख लीजिएगा, हो सकता है आपने सी दिया हो या डी दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो आपका बी दिया गया कि ये जो आपका ऊष्मा की एसआई इकाई होती है वो जूल होती है, तो हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया कि किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका सेलेबल जो ऊष्मा होता है उसको हम अवशोषित कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि पानी का अवशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, पानी का अवशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, ये आपका एक होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये आपका चार बार लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर जो दिया गया एम जी एच जूल, जो कि यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है, एम जी एच जूल होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, 746 वाट होते हैं, लेकिन ये बेसिक है इसलिए आपका बेसिक यहाँ पर पूछा गया है परीक्षाओं में, हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक इकाई समय में क्या किया गया कार्य क्या कहलाता है या क्या होता है, कहने का मतलब एक ही है, क्या कहलाता है या क्या होता है, तो ये आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम पावर बोलते हैं, जो कि पावर यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन में भी ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वस्तु की गति में होना, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन अब करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है, तो त्वरण की जो इकाई होती है तो क्या होती है, तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया और क्वेश्चन आपके सामने है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि वस्तु में परिणाम और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अर्थात वेग बोलते हैं, जो कि वेग हमारा जो दिया गया ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए और पंचर हो जाना चाहिए, दोनों बात एक ही है, तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको हम पराविद्युत बोलते हैं, जो कि पराविद्युत जो ऑप्शन में हमारा दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। उच्च कार्बन स्टील में अर्थात जो आपका होता है हाई कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, जिसमें 50% आपकी होती है कार्बन की मात्रा। ठीक है, 50% से आपका लगभग 1.50 तक हो जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन अब करेक्ट आंसर मारेंगे, नीचे आप देख सकते दिया भी गया डी ऑप्शन में। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट। अब इसमें जो बॉक्साइट हमारा दिया गया ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है वो आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, और सिलिकॉन जो हमारा दिया गया ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा बनाने के लिए हम किस भट्टी का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम करते हैं एलाई मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस का, जो कि इसमें हमारा दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो तन्यता होता है ये इसका यांत्रिक गुण है, जो कि तन्यता यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस धातु के प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो लोहा जो होता है वो आपका एक लौह धातु होता है, और इसमें जो लौह धातु दिया गया इसमें हमारा डी ऑप्शन दिया गया, जो कि फर्नेस जो मेटल है ये हमारा डी ऑप्शन दिया गया, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से अधातु कौन सी है। इनमें से अधातु कौन सी है, तो ये आपका ग्रेफाइट जो है, इन ऑप्शनों में से जैसे कि पारा, ग्रेफाइट, पीतल और लोहा दिया गया, जिसमें जो अधातु के अंतर्गत आता है, अधातु के अंतर्गत वो आपकी ग्रेफाइट आती है, तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि अनुपात की परिभाषा क्या है। अनुपात की जो परिभाषा होती है वो होती है कि एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध ही आपका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, और अनुपात का है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एम के एस प्रणाली में एम अक्षर का क्या दर्शाता है, मतलब कि इसका क्या मतलब होता है कि ये आपका एम जो है इसको हम क्या इंडिकेट करता है, तो ये मीटर को इंडिकेट करता है, जो कि मीटर में हमारा जो दिया गया ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसमें जो हमारा सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है 25.4 mm आपका होता है, तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो इसमें जो आपका होता है वो आपका लोह धातु होता है, लोहा एक लोह धातु है, तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वरूपण के रूप में प्रतिरोध प्रदान करती है, जिसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कठोरता बोलते हैं, हार्डनेस जिसको बोला जाता है, ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है, तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है, वो कौन सी धातु है जिसमें लोहा नहीं होता है, तो वो आपकी अलोह धातु है जिसमें कोई भी लोहा नहीं होता, अलोह का मतलब है उसमें लोहे का कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किया जाता है। तो इसमें जो आपका फिलामेंट में किया जाता है वो आपका टंगस्टन होता है, जो कि टंगस्टन में हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन है, फिलामेंट का नाम ही जब यहाँ पर ले लिया तो इसका मतलब टंगस्टन ही है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। इसमें जो नहीं किया जा सकता वो सफ़ेद ढलवा लोहा का बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। अब इसमें ऑप्शन के आपको निर्भर करता है कि कौन से, यहाँ पर ऑप्शन में आपको कुचालक दिया है, जैसे यहाँ पर ताबा, एल्युमिनियम, चांदी और माइका दिया गया, तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका कुचालक के अंतर्गत आता है वो आपका माइका आता है, तो माइका हम यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बॉक्साइट बोलते हैं, और बॉक्साइट हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन दे गए, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है, और बैकलाइट में जो हमारा यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, घनत्व या आयतन या द्रव्यमान या अवशिष्ट गुणोत्तर, जिसको हम बोलते हैं वो आपका द्रव्यमान होता है, जिसको हम मास बोला जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दे गया, तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी या किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों वो आपका घनत्व होता है, जो कि डेंसिटी होता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दे गया। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए कवर किया, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन ये आपके रिपीट हो रहे हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।